इस भीड़ को जब नेता नगरी में इलेक्शन का समय होता है तो पैसे देकर बुलाया जाता है, और यहाँ भीड़ पैसे देकर धीरेन्द्र शास्त्री को बुला रही है। यही फर्क है एक राजनेता में और एक भगवान के भक्त में। गुरुदेव के संकल्प के साथ कितने लोग जुड़ना चाहते हैं? पीछे से, एकदम पीछे से, पंडाल के बाहर से ऐसे करते हैं। पहले पहले कोई भी संकल्प करना है, कोई भी प्रार्थना करनी है तो भगवान इस प्रार्थना को ध्यान से सुनते हैं। कितने सुनते हैं? आप बोलना है राम, और सांस छोड़ते हुए राम, और सांस छोड़ते हुए अपने मुख से बोलना है राम। कर सकते हैं सब लोग? अच्छा, ये प्रक्रिया को आंख बंद करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। तो जहां पर भी हैं आराम से बैठ जाएं। राम 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 आएंगे। प्रभु राम से विनती करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापित हो। यह है हमारा सनातन धर्म जो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो। यह है हमारा सनातन धर्म जो कहता है विश्व का कल्याण हो। और कहीं पर किसी धर्म में विश्व के कल्याण के बारे में नहीं कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। ये देखिए, हर को एकता के साथ बनाए रखिएगा। और एकता की चर्चा हम तुम्हें शास्त्र के अलावा नहीं बता रहे, शास्त्र में से रामचरितमानस से बता रहे। रामचरितमानस में पुल तब बंधा जब सब पत्थर जुड़ गए। उसी प्रकार भारत हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक एक हिंदू आपस में जुड़ जाएगा। बस इतनी सी आवाज, कैलाश पर बैठा है हमारा महादेव। बाबा कैलाश पर बैठे बैठे आज ग्रेटर नोएडा के पागलों के लिए डमरू बजा रहे। मेरे भोलेनाथ का डमरू तीनों लोगों को कंपायमान करता है। ये भोलेनाथ डमक डमक डुम 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 डमक डमक महादेव। वो कैलाश पति को इतने धीरे पुकार रहे हो, दोनों हाथ उठाओ। बम 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 बम
जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम आपको छोड़े जा रहे हैं इसी उधेड़ बुन में कि भारत हिंदू राष्ट्र कब कहलाएगा। ये तो बेचारणीय विषय है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। दोस्तों, हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की जय, श्री राम की जय, अपने हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। घोषित हो।